नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किशनगढ़ बास कस्बे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बिना लाइसेंस व बिना डिग्री के चिकित्सालय संचालित करने वाले निजी जांच केंद्रों की जांच करने पहुंचे तो कस्बे के निजी जांच केंद्र संचालकों बिना डिग्री के चिकित्सालय संचालकों में हड़कंप मच गया। शुक्रवार को शिशु एवं मातृ कल्याण अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट व डिप्टी CMHO हेल्थ अलवर डॉक्टर महेश भैर व ADO निरंजन लाल की टीम कस्बे के गंज रोड पर पहुंची, जहां उन्होंने कस्बे में धड़ल्ले से संचालित हो रही बिना डिग्री के चिकित्सालयों व निजी जांच केंद्रों सहित मेडिकल स्टोर की जांच की तो मेडिकल टीम भी हैरान रह गई। डॉक्टर अरविंद गेट ने बताया कि किशनगढ़ बास से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहां पर डॉक्टर बाहर की दवाइयां व बाहर की जांच लिख रहे हैं, जिसकी जांच को लेकर किशनगढ़ बास में आए थे। इस दौरान यहां और भी जांचें की गई, जिसमें एक डॉक्टर को ड्यूटी साइन में बाहर प्रैक्टिस एवं पेशेंट भर्ती करते हुए पाया गया। इसके साथ डॉक्टर खान निजी चिकित्सालय द्वारा बायोमेडिकल के कचरे को खुले में फेंका हुआ पाया गया, जिसमें सिरिंज आदि कचरा खुले रोड पर डाला हुआ था, जिससे संक्रमण फैलने का अंदेशा बना हुआ है। वहीं खालसा दंत चिकित्सक की दुकान को चेक किया गया तो पाया गया कि उनके पास कोई डिग्री नहीं, जबकि उनकी दुकान में डेंटिस्ट चेयर आदि रखी हुई हैं तथा वह बिना किसी डिग्री के काम करते हुए पाए गए। इसके साथ कई और क्लिनिकों की जांच की गई, जहां पर भी पूरी तरह से बायोमेडिकल केस का कोई प्रबंधन नहीं किया गया। इन सभी के पास क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन नहीं पाया गया। इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी तथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किशनगढ़ की यहाँ से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे डॉक्टर बाहर की जांचें, बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, तो वही एक बार चेक करने आए थे। इसमें शिकायत डॉक्टर सोनम गुप्ता की गई थी, तो उसके मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे और भी जांचें की, और भी क्लिनिक देखे, तो डॉक्टर दीपक शर्मा जो लिव लीजर पे हैं वो बाहर प्रैक्टिस करते हुए पाए गए, पेशेंट एडमिट करते हुए पाए गए। इसके साथ साथ उस्मान हॉस्पिटल है, उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का पूरा निडिल, जो भी कचरा है बाहर, जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है सिरिंज से लेकर निडिल, सारी की सारी जमीन पे ऐसी फैली हुई थी, बाहर रोड पे डाला हुआ था ऐसे कचरा। इसके साथ साथ एक खालसा डेंटिस्ट वहाँ भी देखा, तो खालसा डेंटिस्ट जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उनके पास पूरी की पूरी डेंटल चेयर रखी हुई है और वो इस चीज़ का काम कर रहे हैं। एक दो क्लिनिक और किए हैं, तो बिल्कुल उन्होंने बायोमेडिकल वेस्ट का कोई प्रबंधन नहीं था, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उनका रजिस्ट्रेशन नहीं था, कुछ के पास भी दिया नहीं। तो इनके सर खिलाफ क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, अब उनके खिलाफ FIR करवाएंगे, FIR करवाने के बाद में जो भी ऊपर अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे, जो भी कार्रवाई होगी फिर ऊपर से हो जाएगी। सोनम गुप्ता की शिकायत थी, जिसके तत्वाधान में मैं और RCHO साहब और ADO साहब निरंजन लाल जी हम यहाँ पर CSC किशनगढ़ बास में जांच करने आए, तो उनकी जांच की तो उसके पश्चात यहाँ पे उपस्थित मरीजों ने हमें शिकायत की कि बाहर भी कुछ अवैध क्लिनिक चल रहे हैं, तो उन्हें जब जाके देखा तो उनको खून के असत्य पाया गया। डॉक्टर दीपक शर्मा जो कि CSC किशनगढ़ बास में MO लीव रिजर्व पोस्ट पर हैं, अलवर अच्छा BCMO ऑफिस में लीव रिजर्व की पोस्ट पे हैं, उनके द्वारा ड्यूटी टाइम में पेशेंट देखे जा रहे थे, पेशेंट को भर्ती किया हुआ था और आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाए हुए थे, ना तो उस क्लिनिक का कोई रजिस्ट्रेशन था ना और कुछ था। उसके बाद हमने एक उस्मान हॉस्पिटल को देखा, सेम वहाँ पे भी बेंगलोर से पास आउट हुए डॉक्टर साहब हैं BAMS, जिनके द्वारा वहाँ पे एलोपैथिक प्रैक्टिस की जा रही थी, पेशेंट्स को भर्ती किया हुआ था और जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको पब्लिक प्लेस पे बाहर ही फेंका हुआ था। तो इस सब के लिए हमने ADC साहब जो हैं अपने ड्रग कंट्रोलर उनको भी बता दिया है, वहाँ से DCO साहब आ रहे हैं और इनके तत्वाधान में जो भी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी, पर वो क्या हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, उसके लिए हमने ADC साहब को इन्फॉर्म कर दिया है, अभी उनको दूरभाष पे इन्फॉर्म किया है और आज शाम को ही जो हमारी तरफ से जो मौका रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें ये सब चीजें लिख के ADC साहब को बताया जाएगा, जिससे उनके लेवल पे वो निरीक्षण कराएंगे और उन पे भी कार्रवाई की जाएगी।
ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।